नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास शो चार का चक्रव्यूह। भारत एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में नदियों का पानी उपलब्ध है। नदियां हमारे देश की संस्कृति और पहचान का अटूट हिस्सा रही हैं। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया, उन्हें पाला पोसा और कई बार वो सभ्यताओं के विनाश का कारण भी बनी है। आज भी हमारे देश की नदियां हमारा भविष्य तय कर रही हैं। हमारी आस्था और एक देश के तौर पर हमारी साझा नियति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। इसीलिए अगर नदियां हमारी सभ्यता की जड़ों का अभिन्न अंग है तो उनकी वजह से आने वाली बाढ़ भी हमारे देश का हिस्सा है। अगर हम जलीय और मौसमी विज्ञान की दृष्टि से कहें तो भारत में बाढ़ का सीधा संबंध देश में मानसून के सीजन में होने वाली बारिश से है। और आज भारत का अनाज का टोकरा कहे जाने वाला पंजाब हो या फिर पूर्वोत्तर भारत के राज्य, इन इलाकों में हजारों सालों से नदियों के पानी के साथ पहाड़ी मिट्टी और चट्टानों के कण बहकर आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली तीन नदियों के बेसिन ही मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। पश्चिम में सिंधु नदी, उत्तर में गंगा नदी और पूर्वोत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों से बहकर आने वाला पानी और ये उर्वर कण हजारों सालों से करोड़ों लोगों का पेट भरते आ रहे हैं। नदियों के साथ बहकर आ रही ये टल छत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण और समृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारी नदियां खलनायिका हैं। फिर चाहे कोसी को बिहार का शोक कहा जाए या फिर ब्रह्मपुत्र को घाघरा नदियों का संबंधित राज्य का शोक कहकर उन्हें कोसा जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आज चार के चक्रव्यूह में बात इसी पर होगी कि क्यों आखिर हर साल लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, क्यों हमारी सरकारें पहले से कोई इंतजाम नहीं कर पाती हैं और क्यों हर साल नदियां उफान पर आ जाती हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय जल आयोग लंबे समय से ये कहता आया है कि राज्यों को अपने अपने यहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाकों को अलग अलग जोन में बांटना चाहिए, इससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके साथ साथ नदियों को भी अपने रास्ते पर बहने देने दिया जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुसार जमीन को लिस्ट 2 की 18वीं एंट्री के तहत राज्यों का विषय माना गया है। तो केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए साल 1975 में एक मॉडल बिल फॉर वर्ल्ड प्लेन जोनिंग को राज्यों से साझा किया था, जिससे कि राज्यों में बाढ़ प्रभावित इलाकों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटने को लेकर परिचर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी हर साल तमाम राज्य बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश के कुछ राज्य इस वक्त बाढ़ से पीड़ित हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। वहां हालात इतने खराब हो गए हैं कि कुछ शहरों में 8 दिन बाद लोगों को पीने का साफ पानी और खाना मिल पाया है। बंगाल के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। इस वक्त बंगाल के 3 जिले हावड़ा, हुगली और पश्चिम मिदनापुर बाढ़ की चपेट में है। कुल मिलाकर लाखों लोग अभी भी बाढ़ प्रभावित है और करोड़ों की फसल नष्ट हो चुकी है। हजारों मकान अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ प्रभावित घटल शहर में फंसे कई लोग पिछले 8 दिनों से बाढ़ का पानी पीकर जिंदा हैं। ऐसे कई गांव हैं जो चारों ओर से मीलों तक बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। और ऐसे ही एक गांव में जब NDRF की रिपल टीम के साथ पहुंचे तो लोगों में राहत सामग्री लेने के लिए हाहाकार मच गया। हालांकि यहां अब पानी कम होना शुरू हो चुका है और अगर बारिश नहीं हुई तो इन इलाकों से पानी निकालने के लिए भी 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। यहां लोगों से बात की तो पता चला कि पिछले 8 दिनों से सभी लोग बाढ़ का पानी पीकर जिंदा हैं और खाने को भी उनके पास कुछ नहीं है। NDRF की टीम ने जब स्वच्छ पीने का पानी दिया तो लगा जैसे इनको जिंदगी मिल गई है। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पानी के लिए तरस गए थे। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को जिंदा रहने के लिए हाथ से बनाई डोंगी यानी कि
मेकशिफ्ट नाव में मीलों दूर जाकर खाना पानी या दवाई लानी पड़ रही है। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो सिर्फ खटल ब्लॉक में अभी भी 12 ग्राम पंचायत और 50 से ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। 100 से भी ज्यादा गांव आंशिक तौर पर पानी में डूबे हुए हैं और 2 लाख के आसपास लोग बाढ़ प्रभावित हैं। NDRF और राज्य प्रशासन की ओर से राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। दरअसल खटल इलाके में हर मॉनसून के वक्त यही हालात होते हैं। समूचा खटल ब्लॉक एक गड्ढे की तरह है और शीलावती नदी के करीब है। ऐसे में बाढ़ के वक्त आसपास का सारा पानी खटल में घुस जाता है, जिससे हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। वाम मोर्चा के समय में खटल मास्टर प्लान तैयार किया गया था और इस परियोजना में शीलावती नदी के किनारे पर बांध बनाना, नदी में ट्रेनिंग और पंपिंग स्टेशन तैयार करना था। केंद्र और राज्य के रुपयों से इस प्लान को पूरा किया जाना था, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो पाया और अब TMC सरकार का आरोप है कि केंद्र ने रुपए नहीं दिए, इसीलिए इन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका है। क्षेत्र के TMC सांसद देव ने तो यहां तक कह दिया कि ममता को प्रधानमंत्री बनाए बगैर खटल कुबार से नहीं उभारा जा सकता है। जब तक खटल मास्टर प्लान नहीं होगा, तब तक यहां के लोगों को हर साल ये त्रासदी झेलनी पड़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ और बारिश की वजह से ग्वालियर, चंबल संभाग के शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर जिले पूरी तरह प्रभावित हैं। वहीं रीवा जिले के 1171 गांव में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, साथ ही 200 गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। इस बाबत राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और CM ने IG ग्वालियर और बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के जिला प्रशासन से फोन पर बात की और मामले की समीक्षा की। बता दें कि रात भर बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और लोगों को बचाया गया है। वहीं मौसम के साफ होते ही वायुसेना का अभियान भी शुरू होगा। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान फिर से एक बार बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने बताया है कि मौसम खराब होने की वजह से सेना के हेलीकॉप्टर राहत और बचाव कार्य को अंजाम नहीं दे पा रही है। हालांकि मौसम के ठीक होते ही हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे और मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी मंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं और वायुसेना के अधिकारियों से बातचीत लगातार जारी है। वहीं प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। देश में बाढ़ से हर साल तबाही होती है और इस बाढ़ से जान माल का नुकसान अक्सर देखा जाता है। देश में कम से कम 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हर साल बाढ़ का आना लगभग तय माना जाता है, लेकिन अगर बाढ़ के कारण सारे देश में हाहाकार मचा हो तो इन क्षेत्रों में मौसमी विनाश की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। पिछले कुछ दशकों के दौरान मध्य भारत जैसे क्षेत्र में भी लोग मूसलाधार बारिश और एकाएक बड़ी मात्रा में बारिश होने, बादल फटने की घटनाओं से सामना करने लगे हैं। देश में ज्यादातर नदी के किनारों और नदियों के डेल्टाओं में बाढ़ भारी कहर बरपाती है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत तीन ओर से समुद्रों, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि इस वजह से देश बाढ़ की विभीषिका को लेकर संवेदनशील है और समूचे देश में ऐसे इलाके हैं जो कि हर साल बाढ़ का सामना करते हैं। देश में ऐसे कुल इलाकों की संख्या 12.5% है। इन राज्यों में होता है बाढ़ का अधिक असर। भारत में बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब ऐसे राज्य हैं जिनमें बाढ़ का ज्यादा असर होता है। मॉनसून की होने वाली बहुत ज्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम भारत की नदियां जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि बाढ़ के साथ इन प्रदेशों के किनारे बसी बहुत बड़ी आबादी के लिए खतरे और विनाश का पर्याय बन जाते हैं। इन सभी बड़ी नदियों के आसपास या किनारों पर बसे शहर, गांव और कस्बे इसका सबसे बड़ा शिकार बन जाते हैं। इन नदियों में आता है बाढ़ का पानी। देश में रावी, यमुना, साहिबी, गंडक, सतलज, गंगा, घगर, कोसी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, महानदी, महानंदा, दामोदर, गोदावरी, मयूराक्षी,
साबरमती और इनकी सहायक नदियों में पानी किनारों को छोड़ छोड़ कर बड़ी दूर दूर तक पानी फैल जाता है। राज्य के राज्यवार बाढ़ प्रवत क्षेत्रों को समझा जा सकता है। ज्यादातर राज्यों में बाढ़ प्रवत इलाका भी इसी प्रकार है। कई राज्यों के बाढ़ प्रवत क्षेत्रों का इलाका ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों की संख्या इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश में 7.336 लाख हेक्टेयर, बिहार में 4.26 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 3.7 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 3.26 लाख हेक्टेयर, असम में 3.15 लाख हेक्टेयर, बंगाल में 2.65 लाख हेक्टेयर, उड़ीसा का 1.4 लाख हेक्टेयर और आंध्र प्रदेश का 1.39 लाख हेक्टेयर, केरल का 0.87 लाख हेक्टेयर, तमिलनाडु का 0.45 लाख हेक्टेयर, त्रिपुरा का 0.33 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश का 0.26 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी के कई हिस्सों और श्रीनगर में भारी बारिश के बाद पानी भरा और लोगों को 2005 की भारी तबाही की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई। दरअसल तब झेलम में आई बाढ़ ने 44 जिंदगियों को लील लिया था और 12,565 घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। भारी बारिश के बाद मेघालय के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले के निचले इलाकों में पानी भर गया। करीब 20 लोग बेघर हो गए थे। लगातार कई दिनों की बारिश की वजह से असम के 3 जिलों लखीमपुर, करीमगंज और दारंग में करीब 60,000 लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। असम में स्थिति और गंभीर हुई और कुल 2.70 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो गया। केवल करीमगंज जिले में 15,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और उन्होंने 112 राहत शिविरों में शरण ली और 8,000 हेक्टेयर में खड़ी फसलें तबाह हो गईं। ताजा स्थिति के अनुसार 24 जुलाई तक असम में बाढ़ से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण बारिश के बाद उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में करीब 12 गांव पूरी तरह भारी दुनिया से कट चुके हैं। रेल रोड क्षतिग्रस्त हो गए और कम से कम 5 पुल बह गए। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से 25,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। धनेरा में केवल 6 घंटों में हुई 235 mm बारिश के बाद धनेरा, डीसा और धरार के में हालात बदतर हो गए और घरों में पानी घुस गया। बाढ़ की घटनाओं की ये फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। इसमें दोनों ही तरह के इलाके हैं। असम जैसे राज्य भी हैं जहां बाढ़ का सालाना त्रासदी है, लेकिन कश्मीर, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य भी हैं जो हाल के सालों में भीषण बारिश और बाढ़ के हालातों से रूबरू हो रहे हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 में बाढ़ की वजह से 1.90 करोड़ लोग प्रभावित हुए। 850 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जिसमें 184 मध्य प्रदेश में, 99 उत्तराखंड में, 93 महाराष्ट्र में और 74 उत्तर प्रदेश में और 61 गुजरात में थे। बिहार में 30 जिलों में 86 लाख लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा, जिसमें से 249 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कुछ ऐसा ही हाल असम में रहा, जहां 35 में से 30 जिलों में बाढ़ के कहर ने करीब 35 लाख लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान के लिए खून के आंसू रुला दिया। पिछले करीब 1.5 दशकों से हालात ये बनने लगे हैं कि लगभग हर दूसरे तीसरे साल किसी न किसी राज्य या शहर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से त्रासदी इतिहास का हिस्सा बन रही है। साल 2004 बिहार के 20 जिलों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली बाढ़ ने 3,272 पशुओं और 885 लोगों की बलि ली। 2005 26 जुलाई को मुंबई में हुई बारिश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मुंबई में औसतन 244 mm बारिश होती है, लेकिन उस दिन 24 घंटे में शहर में 900 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और पूरी मुंबई ठहर गई। लोग दो दो दिन तक ऑफिस से घर नहीं जा सके, जो जहां था वो वहीं ठहर गया। साल 2008 एक बार फिर बिहार में 23 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आए, जिनमें से 250 तो मौत के मुंह में ही समा गए और कुल 8 लाख हेक्टेयर की जमीन पूरी तरह धुल गई और 3 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो गए। साल 2010
लद्दाख में 6 विदेशियों सहित 255 लोग बाढ़ की भेंट चढ़ गए। साल 2012 ब्रह्मपुत्र में आई बाढ़ ने न केवल 60 लोगों को बेघर किया बल्कि 124 लोगों की जान भी ले ली थी। साथ ही काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में 540 जानवर भी काल कवलित हो गए। साल 2014 जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ ने 280 लोग मारे गए और करीब 400 गांव पूरी तरह डूब गए। साल 2015 चेन्नई ने पिछले 100 सालों में सबसे भीषण बाढ़ देखी जब दिसंबर के पहले हफ्ते में हुई करीब 500 मिलीमीटर बारिश के बाद पूरा शहर डूब गया। इस बाढ़ से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हाल के सालों में नदियों के पानी से डूबने वाले क्षेत्रों में शहरी बस्तियां बसने की रफ्तार तेज हो गई है। इसी वजह से भी बाढ़ से होने वाली क्षति का दायरा बढ़ रहा है क्योंकि किसी भी शहर का भौगोलिक दायरा और आबादी बढ़ने से ज्यादा लोगों के बाढ़ के शिकार होने की आशंका बढ़ जाती है। जैसे ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में बस्तियां बसने लगती हैं तो बाढ़ के पानी के निकलने का रास्ता रुक जाता है। इससे बाढ़ का पानी निकल नहीं पाता, फिर बस्तियों को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द बांध बनाए जाते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बस्तियां बसने और इन बांधों के बनने से नदी घाटी और नदियों के इकोसिस्टम पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। भारत को बाढ़ नियंत्रण के इस आयाम से मुक्ति पाने में 200 साल से ज्यादा का समय लग गया। 27 जुलाई 1956 को संसद में पेश किए गए एक बयान में पहली बार आधिकारिक रूप से माना गया था कि बाढ़ से होने वाले नुकसान से पूरी तरह से बच पाना असंभव है और भविष्य में भी इससे छुटकारा पा सकना मुश्किल होगा। इसके बाद भी बाढ़ पर एक उच्च स्तरीय कमेटी 1957 में बनी जिसने साल 1958 में बयान जारी किया जिसमें साफ तौर से कहा गया कि बाढ़ नियंत्रण के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों को जोन में बांटना, बाढ़ की भविष्यवाणी करने जैसे उपाय आजमाए जाने चाहिए क्योंकि इससे किसी विशाल बांध या फिर ऐसे ही किसी अन्य संरचना का निर्माण करने की जरूरत नहीं होगी जिसमें भारी मात्रा में पूंजी निवेश हो। हालांकि बाढ़ से हर साल सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य बिहार ही है। देखिए की रिपोर्ट। उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ के खतरे में रहती है और देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% बिहार में है। साथ ही देश में बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों में 22.1% आबादी बिहार की आती है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.6% बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ से लगभग हर साल करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, हजारों लोग बाढ़ में डूब जाते हैं। सरकार ने 1969 से आंकड़े प्रकाशित करना शुरू किया है, उसके बाद से अब तक लगभग 10,000 लोगों की जान बाढ़ में डूबने से हुई है। रोज ना बढ़ रही है सर। हाँ। रोज ना कितना बढ़ रहा है? कितना रोज एक हाथ रोज एक हाथ रोज ना बढ़ रहा है सर। तो वही समय है कि सरकार तरफ से कुछ मदद चाहिए हमको। उत्तर बिहार जिले के मॉनसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ की कारक नदियों की चपेट में है। महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदियां लगभग हर साल बाढ़ लाती हैं। ये सभी नदियां नेपाल से निकलने वाली हैं। इसके अलावा दक्षिण बिहार के कुछ जिले भी सोन, पुनपुन और फल्गु नदियों से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। 5 साल का औसत निकालें तो लगभग हर साल 19 जिलों में बाढ़ आती है। इससे 136 प्रखंडों के लगभग 4,000 गांव हर साल प्रभावित होते हैं और औसतन 95 लाख लोग बाढ़ की परेशानी झेलते हैं और 320 लोगों की मौत बाढ़ में डूब जाने से हो जाती है। इस दौरान लगभग 130 करोड़ की निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचता है। साल 2019 की बाढ़ में 25 जिले प्रभावित हुए। 233 प्रखंडों की 2130 पंचायतों में पानी घुसा। इससे 7,257 गांवों में 1.49 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। इस बाढ़ में 167 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ और 300 लोग डूब कर मरे। इससे पहले 1918 में बाढ़ मात्र 3 जिलों में आई थी। इस साल 15 प्रखंडों में 63 पंचायत अंतर्गत 181 गांव प्रभावित हुए। इस साल मात्र 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए और एक व्यक्ति की मौत हुई थी।
साल 2017 की बाढ़ में 22 जिलों के 214 प्रखंड अंतर्गत 2605 पंचायतें प्रभावित हुईं। इन पंचायतों के 9,197 गांव के 1.85 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ से 103 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ और 815 लोग डूबकर मर गए। 2016 में 31 जिलों के 185 प्रखंड में बाढ़ आई और इस दौरान 1408 पंचायतों के 5,527 गांव में रहने वाले 88,00,000 लोग बाढ़ से घिर गए। उस साल 400 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ में डूबने से हो गई थी। साथ ही 116 करोड़ की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ। वहीं साल 2015 की बाढ़ में 8 जिले के 32 प्रखंड प्रभावित हुए। उस साल 94 पंचायतों के 237 गांव में रहने वाले 5,00,000 लोगों ने बाढ़ की परेशानी झेली और इस दौरान 27 लोगों की डूबने से मौत हुई और लगभग 3,00,000 की सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ। यही स्थिति लगभग हर साल या एक साल के अंतराल पर राज्य में बनती रहती है। सुपौल, मेधुपुरा, शिवहर, सहरसरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और भागलपुर जिले सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिले हैं और 28 जिले लगभग हर साल बाढ़ से कम या ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा सारण, नालंदा, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पटना, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, अररिया, शेखपुरा, किशनगंज और भोजपुर जिले भी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। हर डूबे क्षेत्र से लोगों को हटाने और तय दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें कहीं और बसाने की चुनौती बहुत बड़ी है और इसकी शुरुआत से ही बाधाएं आने लगती हैं। आज भी जमीन अधिग्रहण करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और सरकारों पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो मुआवजा देने में निष्पक्षता नहीं बरतते और लोगों के पुनर्वास की सरकारी योजनाएं अपर्याप्त हो जाती हैं। इसीलिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए राजनीतिक लाभ ज्यादा है क्योंकि इसमें हर सीजन में बाढ़ पीड़ितों को राहत और मुआवजा देकर काम चल जाता है। इसीलिए राज्यों की ओर से दूसरे विकल्पों पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि इससे उनके राजनीतिक हितों पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। इसके अलावा यहां ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि शहरी घनी बस्तियों को पूरी तरह से विस्थापित नहीं किया जा सकता है और इसके लिए इन बस्तियों के इर्द गिर्द बांध बनाकर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना भी जरूरी नहीं होता है। पर इसके साथ ही साथ ये जरूर होता है कि शहरों के बुनियादी ढांचे का और विकास रोका जाए ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में और बस्तियां ना बस सके। और हर साल की तरह इस बार भी बिहार में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। जो बचा सके उसे बचा ले की जुगत में लोग जुट गए हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि आखिर बाढ़ से कब तक बिहार की एक बड़ी आबादी जूझती रहेगी। हर साल एक नई उम्मीद जगती है कि बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकेगी और जिंदगी आराम से चलती रहेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोसी परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए कहा था कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर नियंत्रण पर कर लिया जाएगा, लेकिन 68 साल बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है और लोग बाढ़ से हर साल जूझते रहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार का बहुत बड़ा क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। 1952 में जहां कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 25,00,000 हेक्टेयर का था, जो अब बढ़कर 68.8 लाख हेक्टेयर हो गया है। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है और बिहार देश का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका है। देश के कुल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 16.5% इलाका बिहार का आता है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले देश की कुल आबादी का 22.1% हिस्सा बिहार का ही है। बाढ़ के पानी में हम लोग के रहने का शरण है, घर में पानी घुसा हुआ है, खाना बनाने तक जुड़ता है, जानवर सब रोड पर रखे हुए हैं, जानवर के चारा भी था सब डूब गया और हम लोग के रहने का कोई शरण नहीं। देखिए सांप बिच्छा काटता है, रात के ही चौकी पर शरण लिए हुए रहते हैं और परिवार सब किसी तरह खाना वाना बना के खा रहे हैं, क्या करें। आखिर हर साल क्यों आती है बाढ़? बिहार में बाढ़ की तबाही मुख्य तौर से नेपाल से आने वाली नदियों की
वजह से आती है। कोसी, नारायणी, कर्णाली, राप्ती, महाकाली जैसी नदियां नेपाल के बाद भारत में बहती हैं। नेपाल में जब भी भारी बारिश होती है तो इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो जाती है। इन नदियों का प्रभाव क्षेत्र बिहार में ही है और नतीजा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेपाल में जब भी पानी का स्तर बढ़ता है वो अपने बांधों के दरवाजे खोल देता है और इसकी वजह से नेपाल से सटे बिहार के जिलों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध बनाए गए लेकिन तटबंध अक्सर टूट जाते हैं। बाढ़ से साल 2008 में जब कुसहा तटबंध टूटा था तो करीब 35 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई थी और करीब 4 लाख मकान तबाह हो गए थे। 19 दिन में 17 स्थानों पर तटबंध टूटा। पिछले साल मुजफ्फरपुर में ही 19 दिन में 17 स्थानों पर तटबंध टूटा था। दरअसल खराब योजना, गलत क्रियान्वयन और जल निकासी का अपर्याप्त व्यवस्था की वजह से तटबंध टूटते हैं। नदियों में जमी गाढ़ भी बाढ़ का कारण है। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में गाद और रेत लाती हैं। सालों से इसकी सफाई नहीं होने के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है जिससे आसपास के क्षेत्रों में पानी फैल जाता है। इसके अलावा बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र में पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई से पानी रुकता नहीं है और आबादी वाले क्षेत्र में फैल जाता है। क्या है उपाय? राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक नेपाल में कोसी नदी पर प्रस्तावित उच्च बांध नहीं बन जाता बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं मिलेगी। उत्तर बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए 1897 से भारत और नेपाल की सरकारों के बीच सप्त कोसी नदी पर बांध बनाने की बात चल रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण की योजना बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि ये स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो और साथ ही बाढ़ नियंत्रण के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने वाले भी हो। नदियों में जमे गाद को भी हटाकर बाढ़ की भयावहता को कम किया जा सकता है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी प्रयास। इस साल भी नेपाल से सटे जिले में बाढ़ का कहर देखने के लिए मिल रहा है। सरकार बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए है। ड्रोन कैमरों से तटबंधों की निगरानी की जा रही है। साथ ही तटबंधों में कटाव, रिसाव आदि की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800345614 जारी किए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है और स्वास्थ्य सुविधा को बरकरार रखने के लिए नाव के द्वारा डॉक्टर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं। राहत सामग्री के साथ साथ आर्थिक मदद भी दी जा रही है। हर साल बसने और उजड़ने का दर्द बाढ़ पीड़ित झेलते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद अगले साल स्थिति सुधरेगी और वो भी चैन की जिंदगी जी सकेंगे, लेकिन उनका इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में तबाही का आलम क्या? वैसे तो असम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य बाढ़ की तबाही हर साल झेलते हैं, लेकिन बिहार में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। बिहार के करीब 74% इलाके में और 76% आबादी बाढ़ की जद में हमेशा रहती है। खासकर उत्तरी बिहार में रहने वाले इलाके बाढ़ के खतरे के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं और इसका कारण है नेपाल से आने वाली नदियाँ। उनकी उत्पत्ति हिमालय की वादियों में होती है और ढलान के कारण पानी हर साल तेज रफ्तार में बिहार की ओर आ जाता है। तमाम उपायों के बाद भी इसे रोका नहीं जा सका है। राज्य के 38 में से 28 जिले हर साल बाढ़ की विभीषिका को झेलते हैं। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ से निजात कैसे मिले? जनता और सरकार सबको यही जवाब चाहिए। क्या लगातार तटबंधों और बांधों के बनने से इसका हल हुआ है? नहीं, एक्सपर्ट इसको लेकर इत्तेफाक नहीं रखते। दरअसल IIT कानपुर की एक स्टडी रिपोर्ट में तटबंधों को बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं माना गया है। जल संसाधन पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेपाल से सटे पुणे और नदियों की तलहटी में बसे पुणे की वजह से यहां की भौगोलिक स्थिति में बाढ़ को टाला नहीं जा सकता, बल्कि बेहतर प्रबंध से लोगों को हो रहे नुकसान में कमी जरूर लाई जा सकती है। छोटे छोटे नहर बनाकर कम प्रभाव वाले इलाकों में पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े जलाशयों का निर्माण कर पानी को संरक्षित किया जा सकता है। इससे यहाँ ज्यादा इलाकों में सिंचाई की जरूरत भी पूरी की जा सकती है। वहीं सूखे वाले इलाकों में पानी मुहैया कराया जा सकता है, साथ ही पीने के पानी के बढ़ते संकट को भी कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।